एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर अब कुरुक्षेत्र से है, जहां पर ब्रह्म सरोवर में पुलिस को आज सुबह एक लावारिस बच्चा बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस बच्चे को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बच्चे को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। एक 3 महीने के बच्चे को कोई यहां पर छोड़कर चला गया था। फिलहाल आदर्श थाना पुलिस के कर्मचारी इस बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी अनीता ने बताया कि बच्चे के परिजनों के बारे में पता किया जा रहा है और फिलहाल बच्चा सुरक्षित है और पुलिसकर्मी उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। कहाँ से मिला था ये बच्चा? आपको देखे हैं ये? नहीं, किसी और से, कोई और देख के गया है। सरपंच वगैरह को घूमने आए हुए थे यहाँ पे, हाँ वो देख के गए 3 बजे सुबह 3 बजे। हाँ जी। बच्चा ठीक है? लड़का है लड़की? हाँ जी, लड़का है जी। दूध वगैरह पिला रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है बच्चा। आप लोग क्या काम करते हैं? मैं KDP में स्वीपर हूँ जी। पुलिस में आप थाने में आप लेके आए इसको? नहीं जी, कोई और लेके आया। आप मदद कर रहे हैं बच्चे? हाँ जी। दूध वगैरह पिला रहे हैं? क्या कुछ खिलाया अब तक बच्चे को? दूध वगैरह? दूध खिलाया सर। ये रात को 112 की कॉल आई थी, फिर जसविंदर मैडम है ओल्डानी इसको लेकर आई थी, उसके बाद फिर मैं आई थी। कहाँ से मिला है बच्चा? लड़का है लड़की? सरोवर से मिला था। लड़का है कि लड़की है? लड़का। कितने दिन का है ये? 2-3 महीने का बच्चा लग रहा है। अच्छा, तो सेवा कर रही है हरियाणा पुलिस? हाँ, सुबह से लग रही है। इसके ऊपर ये नुवा दिया और इसके कपड़े चेंज करे, दूध पिला रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही से DC कार्यालय तक आज एक रोष मार्च निकाला गया है। SGPC की तरफ से ये रोष मार्च निकाला गया और इस मार्च के जरिए SGPC ने जेलों में सजा पूरी कर चुके बंद सिख कैदियों की जल्द से जल्द रिहाई करने की मांग की है। SGPC के वरिष्ठ उप प्रधान रघुजीत सिंह विर्क ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री से SGPC ने बंदी सिखों की रिहाई के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, जिसके बाद अब ये रोष मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की विभिन्न जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई का समय भी पूरा हो चुका है और कई सालों से वो इसके बावजूद जेलों में बंद है, लेकिन सरकार उन्हें रिहा नहीं कर रही है। सारे संघां दे विच बहुत भारी रोष है कि जिन्हां दी सजावां पूरियां हो चुकियां ने, किसी नूं 37 साल है, किसी नूं 28 साल है, किसी नूं 33 साल है, किसी नूं मेरे ख्याल इस तों वध भी सजावां जिहड़ियां भुगत बैठे ने, ते उहनां नूं इंसाफ मिलना चाहीदा। सारे पंजाब दे विच भी अज प्रदर्शन किया जा रहा, तो हरियाणे च भी असीं अज इत्थे कुरुक्षेत्र विच असीं प्रदर्शन कर रहे हैं कि तुसीं अपनी गल जाके रखो और सरकार तक यह सुनिया पहुँचाओ कि उहनां नूं बहुत जल्दी तों जल्दी उहनां नूं रिहा किया जाए। कई सिंघ ऐसे ने जिन्हां ने कि डबल जी सज़ा है भुगत ली है, लेकिन साढ़े वास्ते जरा सिखा वास्ते जरा कानून लहदा है, क्योंकि कई ऐसे दोषी ने जिस तरह राजीव गांधी के हथियारे से कई बलात्कारी जोड़े ने जिन्होंने सजावं हुई से उन्होंने सरकार ने माफ़ी दे के उन्होंने रिहा कर दिता, लेकिन सिखा दे जोड़े जख्मां ते हमेशा जोड़े लून ढुड़कते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी सिखा वास्ते जोड़ा सुहजता नहीं दिखाई। सारी संगत सारी पंजाब की ये सरकार अपील कर रही है कि उन्होंने सिखा जो कि अपनी सजावं पूरी कर चुके ने, उन्होंने इंसानियत के नाते मानवता के अधिकार के नाल संविधान की राखी करते हुए उन्होंने तत्काल रिहा कर देना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC News के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।